बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ जो है डिटेल में जिना एक्सप्रेस के बारे में शेयर करूंगी, जिसमें इसकी टाइमिंग होगी, इसकी टिकट की प्राइजेज होंगी और जो इनका मेन्यू है, रमज़ान में इनका मेन्यू क्या होता है और रमज़ान के अलावा इनका मेन्यू क्या होता है, वो मैं सब डिटेल में आपके साथ जो है शेयर करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो आज मैं आपके साथ जो है अपना जिना एक्सप्रेस का जो है एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जिना एक्सप्रेस का जो है फेयर क्या है, उसके मतलब के टिकट की प्राइसेस क्या हैं और उसके अलावा जो है उसके अंदर आपको क्या मेन्यू मिलता है। तो जो है एक्सप्रेस की टाइमिंग मतलब कि कितनी देर में जो है आपको वो जो है कराची से लाहौर या लाहौर से कराची आप पहुँच जाएँगे जिना एक्सप्रेस में। तो जो मैं आपको बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस जो है जिना एक्सप्रेस में बहुत बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने रेड कारपेट दिखाया वो तो मुझे कहीं भी नहीं देखने को मिला रेड कारपेट। और सेकंड जो था इनका वो है जो इनका ट्रेन पे जो इनका खाने वाली जो इन्होंने जगह दिखाई हुई है, वहाँ नहीं, आप जाके आपको खाना वहाँ जाके बाय करके वहाँ बैठ के खा सकते हैं, लेकिन आपको जो खाना है वो आपके जो है आपके कैबिनेट में ही है, वो आपको जो है आपका खाना दे के जाएंगे। ये जो है इसमें तीन जो छः बर्थ होती हैं एक जगह एक कमरे में, लेकिन जो जाते वक्त हमारे साथ बहुत बहुत अच्छा हुआ था कि जो हमारे जो साथ जो तीन बर्थ थे वो बिल्कुल खाली थी, तो हम जो थे अपना लॉक करके जो थे आराम से सो सकते थे या बैठ सकते थे, मतलब कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। तो ये है मेरा जो जब आप उसके अंदर बैठते हैं जिना एक्सप्रेस में, थोड़ी देर बाद भी जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो वो आपको जो है टिश्यू बॉक्स देते हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया, उसके अलावा ये देते हैं ये अपनी कम्प्लीमेंट्री जो किट होती है वो देते हैं। इसमें ये जो चीज़ें होती हैं वो आप देख सकते हैं, इसमें एक कंघी होती है और एक टूथब्रश और छोटी सी टूथपेस्ट होती है और एक होता है फेस वॉश, छोटा सा फेस वॉश होता है और ये टिशू है, वेट टिशू है और रेज़र है, मतलब कि आते वैसे जो है दूसरी ट्रेनों में 21 घंटे तो लगते हैं, लेकिन इस ट्रेन में आपको 15 से 17 घंटों में जो है वो पहुंचा देती है ट्रेन, इसका ये फ़ायदा था। और दूसरे नंबर पे जो इसका था टिकट, तो ज़ाहिर है हाई है, ज़ाहिर है जब वो एक ट्रेन आपको जल्दी पहुंचा रही है और एसी है, एसी ट्रेन है तो बिज़नेस क्लास है तो वो टिकट तो थोड़ी हाई होगी। तो हमने तीन टिकटें ली थी जिसमें से एक जो थी वो चाइल्ड टिकट की थी टिकट, तो चाइल्ड की जो थी उसके प्राइजेस थोड़े कम थे, वैसे मेरा मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पिछले साल की बात है, तो तकरीबन 15 से 16 हज़ार हमारे तीन बर्थ के लगे थे। तो जी हमें जब था रमज़ान का टाइम, तो रमज़ान में इफ्तारी से कुछ देर पहले ही उन्होंने जो थे हमें ये दे दिए थे, समोसे थे, इसमें खजूरें थी और साथ में रायता था और साथ में जो थी कोल्ड ड्रिंक थी और साथ में जो मतलब कि हर बर्थ को उन्होंने अलग अलग जो तीन हमारी बर्थ थी तो उन्होंने तीन प्लेटें दी थी, तीन कोल्ड ड्रिंक दी थी, तीन पानी की बोतलें दी थी, तीन रायते दिए थे। उसके बाद ये डिनर का टाइम था, तो डिनर में मतलब कि जो आप अफ्तारी का अफ्तारी के बाद जो वो देते थे खाना वो है ये तकरीबन 8 बजे शायद 8 साढ़े 8 बजे तक ये खाना दे देते हैं। तो ये था इनका कुछ राइस थे, चिकन या आप इसको पुलाव भी कह सकते हैं वो थे, उसमें कुछ हलवा था और थोड़ी सी दाल थी और थोड़ा सा चिकन का सालन था। तो उसके बाद ये साथ में नान थे और एक यही इनका जो था सहरी में, इन्होंने जो है रात को भी यही खाना दिया था और सहरी में भी सेम यही मेन्यू था इनका रमज़ान में। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि सहरी के अलावा जो है ये सुबह जो है लंच में सुबह ब्रेकफास्ट में क्या देते हैं, क्योंकि जो रमज़ान था उसमें आपने रात को खाना खाया, फिर सहरी में इन्होंने सेम यही चीज़ें दी थी जो अभी रात को डिनर में थी, वो वही सहरी में भी थी। तो नॉर्मल डेज में जो है इनका जो ब्रेकफास्ट है वो अलग होता है। तो बहरहाल जो हमारा इसमें एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक इसमें हो गया था मसला कि जो था हमारा एक तो वो थे रोज़े थे और दूसरा जो था इनके जो था पानी का इशू था हो गया था एक, लेकिन शुक्र है इन्होंने आगे जाके जो था वो रिकवर कर लिया था, इस पानी बिल्कुल भी नहीं था रहा, बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो जो है ज़ाहर है वॉशरूम आता है तो बहुत मसला हुआ था थोड़ी देर। एक तो था इसमें एसी का, दूसरी ट्रेन में इसमें ये फ़र्क है कि इसमें एसी जो है बहुत अच्छा, लेकिन जब मैं दूसरी ट्रेन में एक दफ़ा गई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा वो जो हो जाती है नमी हो जाती है, मतलब बहुत हबस होती है दूसरी जो एसी वाली ट्रेनों में होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें सब कुछ अच्छा रहा था। तकरीबन हम जून मई के लास्ट में ही गए थे, गर्मी थी।
बर्थ होती है इसमें आपको जो ये जना एक्सप्रेस है इसमें आपको जो अपने अलग से जो कंबल वगैरह या तकिया लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका हर बर्थ पे एक कंबल पड़ा होता है और एक तकिया पड़ा होता है। आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपने साथ अपना लेके जाना चाहें तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। इनके कंपार्टमेंट में जो है एक कंपार्टमेंट में 6 बर्थ होती हैं। 6 बर्थ के अलावा जो है इसमें आपको एसी होता है, फ़ैन होता है, फ़ैन के अलावा इसमें होते ही हैं लाइट्स वगैरह, वो तो हर बर्थ में हर ट्रेन में होती हैं। इसके अलावा जो होता है इसमें चार्जिंग पोर्ट भी होगी, डस्टबिन भी होगी, और जो इसके अलावा होगा वो होगा टीवी, इस में टीवी भी है। उसके अलावा जो आप रमज़ान में जो है आपको टीवी जो है ऑन करने की इजाज़त नहीं है। रमज़ान के अलावा आप टीवी ऑन करवा सकते हैं, लेकिन रमज़ान में जो है आपको टीवी ऑन करने की इजाज़त नहीं मिलती, आप टीवी नहीं ऑन कर सकते रमज़ान में। और इनका रमज़ान के अलावा क्या मेन्यू होता है वो भी आप देख लें। इनका रमज़ान के अलावा जो है तकरीबन जब स्नैक का टाइम होता है, ज़ाहिर है ट्रेन जो है वो चलती है ढाई उधर से 3 बजे, 3 बजे चलती है कराची से, और इधर से 2:30 बजे चलती है। अगर थोड़ा बहुत लेट ना हो टाइम पे चले तो ये इनका टाइम होता है, तो फिर ये दोपहर का खाना नहीं देते, ये स्नैक देते हैं तकरीबन मेरे ख्याल से 4:30-5 बजे तक जो या 6 इतने बजे तक जो है वो आपको स्नैक दे देंगे। और जब रमज़ान में जो स्नैक है वो मैंने आपको बता दिया है, वो अफ्तार देते हैं, समोसे स्नैक के लिए होता है, सैंडविच होता है, और उसके साथ थोड़ा सा एक दो पकौड़े होते हैं, और ये इनका स्नैक होता है। साथ में वही कोल्ड ड्रिंक और वो होता है पानी की बोतल होती है एक छोटी सी हर पर्सन के लिए। नेक्स्ट जो है इनका डिनर का मेन्यू, डिनर का मेन्यू वही सेम है जो मैंने आपको पीछे बताया है, नान, थोड़ा सा हलवा, दाल, चिकन का सालन, और चिकन थोड़ा सा चिकन पुलाव होता है। यही इनका डिनर का मेन्यू होता है, वही 8-8:30 बजे ये दे के जाते हैं अगर ये टाइम से दे दें। नेक्स्ट जो होता है इनका ब्रेकफास्ट, जो है ब्रेकफास्ट इनका डिफरेंट होता है रमज़ान के अलावा, क्योंकि रमज़ान में आपने सहरी करनी होती है तो फिर वो हैवी देते हैं, लेकिन जो नॉर्मल डेज होते हैं उसमें जो है आपको ब्रेकफास्ट जो है वो लाइट देते हैं। इनका होता है 2 स्लाइस ब्रेड के होते हैं और थोड़ा छोटा सा जैम होता है, और छोटा सा जो है ब्लू बैंड का एक पैकेट होता है वो होता है, और साथ में आप चाय ले लें, चाय दे देंगे। चाय जो है ये सिर्फ 2 दफ़ा मेरे ख्याल से देते हैं, एक इवनिंग स्नैक के साथ देते हैं और एक ब्रेकफास्ट के साथ देते हैं। उसके अलावा अगर आपने चाय पीनी है तो आपको खुद बाय करनी पड़ेगी, वहाँ जो वेटर होते हैं आप उनको कहेंगे वो चाय दे रहे हैं तो वो आपको पैसे लेके चाय दे देंगे। उसके अलावा जो है जो 2 टाइम चाय देंगे वो आपको बिल्कुल जो फ्री, मतलब कि जो आपकी टिकट की प्राइजेज होती हैं उसी लिहाज से आपको मिलती हैं, आपको उसके पैसे बाय नहीं करने पड़ते। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।